हेलो एवरीवन, इतने सारे आपके क्वेश्चन थे। बिहार पुलिस का सिलेबस बताइए, बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, किस बुक से करें, और बिहार दरोगा का कट ऑफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा कमेंट है कि फाइनल मेरिट का कट ऑफ कितना जाएगा, और बहुत लोगों का है कि हाँ मेरा नी पेन हो रहा है, उसके लिए मतलब क्या करें, कैसे करें, और भी बहुत सारे एनसीईआरटी पढ़े हैं, बिहार दरोगा का बुक लिस्ट बताएं। और एक लोगों का कमेंट है कि मेरा इतना मार्क्स है तो क्या मेरा मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस का एक में वीडियो में डिटेल से आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, और आज टाइम की भी बहुत कमी थी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा एक प्रॉपर ढंग से मैं बताऊं, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के वीडियो नहीं बना सकती, वन टेक वीडियो बनानी पड़ती है मुझे। एडिटिंग के प्रॉब्लम के वजह से मुझे एडिटिंग नहीं आता, अगर आता तो मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के वीडियो बनाती, एक बार में एक्यूरेट सही बोल देना और सारे चीज़ों को मैनेज करना ये इजी नहीं है। पर हाँ, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। मे बी कल मैं बिहार दरोगा का कट ऑफ का वीडियो बना दूंगी, अगर बोलेंगे, बोले तो हैं आप लोग बहुत सारे, ये प्रेडिक्शन रहेगा, जरूरी नहीं कि वैसा हो, पर हाँ उसके आसपास आपको दिख सकता है। लड़कों के कट ऑफ का मैंने पिछले बार भी प्री में वीडियो बनाया था, लड़कों का तो जितना मैंने बनाया था उसे कुछ कुछ कैटेगरी का सेम था, कुछ का एक दो मार्क्स में भी ज़्यादा थे, पर लड़कियों का एग्जैक्ट वही था जो मैंने बनाया था वीडियो। उसमें बहुत सारे लोग मुझे नीचे बोले भी थे इतना नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा, वो बुला बुला ऐसा कुछ, और कुछ लोग अच्छे तरीके से गलत बातों को, मतलब अपनी नाराज़गी को या अपनी असहमति को अच्छे तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग अपने नाराज़गी को बहुत ह्रास लैंग्वेज में रफ़ बोलते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप किसी के भी ना विचारों से डिसएग्री कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, आप बिल्कुल कर सकते हो, पर हाँ अपनी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखिएगा। डिसएग्री करना अच्छी बात है, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आप आपकी विचार सबसे नहीं मैच खाएगी, जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा या वैसा ही एकदम आप उसको सही मान लो, लेकिन हाँ अपने आपके जो है ना डिसएग्री करने का एक तरीका जेन्युइन होना चाहिए, बोलने का जो एक सही लहजा होना चाहिए, ताकि आपके वजह से किसी को बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। इस बात का बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कहीं भी यहाँ हो या कहीं भी, आप एक वो रखिएगा, मर्यादा रखिएगा इस बात की, क्योंकि आप यहाँ जो भी हैं, मैं ये मानती हूँ कि सब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, और हमें अपना एक होना चाहिए हद कि हम क्या लिख रहे हैं किसी के भी बारे में। बहुत ही गंदे तरीके से कोई शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है अगर मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगी तो लोग मुझे बहुत तरीके की बात बोल सकते हैं, इसीलिए मैं अभी डिले कर रही थी, तो ऐसा है। पर हाँ थोड़ी सी तो समझ है, ज़्यादा नहीं, मैं इतनी भी समझदार नहीं, बट हाँ थोड़ी सी समझ है। इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद ये समझ मैंने गेन किया है। और एक और बात, 64 सीट का जो लोग बोल रहे थे ना कि कट ऑफ लड़कों लोग का लगभग वही था, थोड़ा बहुत ये फ्लैक्चुएट हुआ था, थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन लड़कियों का ना एक क्वेश्चन बढ़ा था, जबकि सीट से कम लोग थे और बहुत ही कम रनिंग का टाइम मिला था। मैंने लिखा हुआ है कब उसका रनिंग था, फिजिकल मैंने 12 अक्टूबर को दिया था, थर्सडे को ESI का, और मेरिट 20 अक्टूबर को आ गया था। फिजिकल मैंने 12 अक्टूबर को दिया था, 20 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था, और मेंस का रिजल्ट आया था 19 सितंबर को। हाँ, मेंस का 19 सितंबर को रिजल्ट आया था और 12 अक्टूबर को फिजिकल ले लिया था, वही लगभग इतना दिन दे दिया मेंस रिजल्ट, हाँ 19 सितंबर और 12 अक्टूबर को फिजिकल, तो देख लीजिए कितना दिन दिया, 10 दिन उधर 10 दिन वही, 20-22 दिन जो भी दिया, उतने ही दिन में सीट से माना कि कम लड़के पास हुए थे। पर लड़कियां ना पास हो जाती हैं, मैं आपको बता दूं,
लड़के फेल हुए थे, बहुत फेल हुए थे, पर अभी आप खुद देखिए ग्राउंड में कितनी लड़कियां फेल होती हैं। रनिंग में आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, लड़कियों का कहीं ना कहीं फिजिकल है इजी, इसमें कोई शक नहीं है, लड़कों के लिए मुश्किल है। मैं भी गई थी रनिंग करने, ट्रैक पे बालू था, सोचिए पैर धंस रहे थे मेरे, फिर भी मैंने रनिंग अपना कंप्लीट कर लिया था टाइम में। पैर धंस रहे थे, बालू बहुत दूर तक था, ऐसा नहीं कि केवल 100 मीटर या 50 मीटर था, लगभग 200 मीटर के आसपास था। लास्ट का फिनिशिंग से थोड़ा सा पहले तक बालू बसने था, मतलब 100 मीटर नहीं था, समझिए 200 मीटर के आसपास था। धूप भी बहुत था, पैर धंस रहे थे, फिर भी लड़कियां सब पास हुई थी, लड़के फेल हो गए थे, बहुत कम टाइम मिला था तो लड़के फेल हुए थे। और उसमें जितने भी लड़के थे ना, सब लगभग बीपीएससी का जो तैयारी करते हैं वही लड़के थे, कुछ बच्चे ही पास कर पाए थे, सीट से कम ही लोग पास किए थे। 8 सीट को बैकलॉग कर दिया, वैकेंट छोड़ दिया ऐसे ही। उसमें भी सोचिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि कट ऑफ से जितना, मतलब 84 पे उठाया था, 84 समथिंग पे, और 85.2 मेरे कैटेगरी का कट ऑफ था, इतना कट ऑफ था। एक क्वेश्चन पूरा इंक्रीज हुआ था, सीट से कम लोग पास किए थे, क्योंकि सीट कम था और बच्चे तो कम पास हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने कैटेगरी में एक एक मतलब जितना रहना चाहिए उससे थोड़े तो ज़्यादा थे, लड़कियां ज़्यादा थी, वो लड़कों के सीट पे भी आई थी। तो ये याद रखना चाहिए कि लड़कियों का जो है ना वो ज़्यादा कट ऑफ पड़ेगा लड़कों के कंपेयर में, लड़कियों का कट ऑफ ईजिली बढ़ेगा ज़्यादा। आप देखिएगा लड़कियों का कट ऑफ का बहुत ये करेगा। और मैंने प्री देने के मेंस देने के बाद ही बोला था कि इस बार अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा गर्ल्स का, और वो रहा भी। लड़कों का तो चलो रहा, उनका तो हर एक बार ही थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन लड़कियों का सॉरी इतना ज़्यादा कट ऑफ कोई एक्सपेक्ट नहीं किए थे, फिर भी इतना ज़्यादा गया मेंस का कट ऑफ। तो ऐसा है, तो मैं इस पर कल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी अगर पॉसिबल होगा तो, और धीरे धीरे मैं सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी, बिहार पुलिस की तैयारी से लेके जो मैं जानती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने निकाला है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से। और तो आप उस हिसाब से चलेंगे तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, मैं बहुत तो तेज़ नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि मैं अभी नए जो स्टूडेंट हैं उनको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। बिहार दरोगा का कट ऑफ बुक्स वगैरह मैं सब जेन्युइनली बता दूंगी कि कौन कौन से मैंने बुक से फर्स्ट टाइम में दरोगा क्लियर किया था और जनरल कैंडिडेट होते हुए भी, तो ये सारी मैं चीज़ें आपको एक एक करके वीडियो में बताऊंगी। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है क्या, इसके बारे में लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो एनसीईआरटी मैंने स्पेशली बिहार दरोगा के लिए नहीं पढ़ा है, पर हाँ मैं एक टीचर रही हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन होम ट्यूशन जाके पढ़ाती थी, उस दौरान मैंने वैसे पढ़ा है, ठीक है। मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी पहले, तो मैं एनसीईआरटी से वैसे टच में रही हूँ। स्पेशली बुक लेके रूम पे पढ़ना स्कूल टाइम में जो किया उसके बाद नहीं किया, लेकिन 12th के बाद मैं जो पढ़ाती थी स्कूल में, तो मैं 8-9 तक का तो मैथ पढ़ाती थी, 10th का वो स्कूल ही नहीं था, 10th तक का नहीं था, तो मैथ मैं 5th-2 वहाँ तक पढ़ाती थी, बाकी में मैं साइंस SST वगैरह पढ़ाती थी। तो उस दरमियान मैंने पढ़ा है, फिर जब मैं पटना आई तो मैंने होम ट्यूशन कराए हैं, तो होम ट्यूशन के दौरान मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे को मैं पढ़ाती थी उसको, मैं वो 8th क्लास में थी तो उस तरीके से पढ़ाया। हाँ 12th-11th ये सब का मैं स्पेशली बुक लेके मैंने नहीं पढ़ा है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, मैंने इसके लिए NCERT नहीं पढ़ा है। तो और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं, हाँ एक लोग पूछ रहे थे कि EBC महिला का जो है ना, और OBC का कट ऑफ और OBC महिला का कट ऑफ क्या है अलग अलग, तो देखिए मैं सच्ची बताऊंगी, यहाँ कुछ झोलझाल नहीं मैं बताना चाहती, मुझे इसके बारे में सही में नॉलेज नहीं है। मैंने इसको ढूंढने का कोशिश किया कि मैं हो सके तो मैं बताऊं, मैंने बहुत यूट्यूब पे ढूंढा और गूगल भी करने का कोशिश किया, वो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि वो अलग से क्यों दिया है।
तो मैं सॉरी इसका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं इसके बारे में आइडिया है कि वो अलग से क्यों दिया। आप शायद किसी और से इसके बारे में हेल्प लीजिएगा, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको नहीं बता पाई, पर हाँ बाकी क्वेश्चंस का जो मैं आंसर है ना, मैं सबका धीरे धीरे करूँगी, बुक्स वगैरह बता दूंगी। और एक लोगों को मेरा गेट पास देखना था, अमन जी को, तो मैं वो ना आपको नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगी अच्छे से, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैं उसमें ना आपको बिहार पुलिस का, मैं तो फेल हो गई थी रनिंग में, पर हाँ उसका एडमिट कार्ड वहाँ पे जो फेल का वो मिलता है, और दरोगा का जो मेरे पास गेट पास है आपको भी वैसे ही मिलेंगे। तो उसके लिए रेडी रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। घुटने का पेंस वगैरह तो देखो, मैंने ना डॉक्टर से, आप कोई भी मेडिकल से दवा खाते हैं ना तो ठीक है खाइए, लेकिन एक बार ना आप डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए कि आपको ऐसा पेन है, क्योंकि मेरे भी घुटने से ना मैं उठ जाती थी तो बैठ नहीं पाती थी, और अगर बैठ गई ना तो खड़ा होने में मतलब नानी याद आ जाती थी, उस ढंग का मुझे पेन होता था। मैं पेन किलर पे ही रनिंग करती थी और उसी से रनिंग निकालती थी। पर हाँ मैंने इस बार भी प्रॉपर मेडिसिन लिया। इस बार जब मैं रनिंग करने जा रही थी तो मेरे घुटने में बहुत तेज़ दर्द था, तो मुझे ये डॉक्टर ने दिया था। मैं ये आपको खाने के लिए नहीं बोल रही, बट हाँ मुझे ये सेलकल टैबलेट ये मुझे डॉक्टर ने दिया था। और नी पेन के लिए देखो, मैंने 3 4 टैबलेट खाए हैं, मुझे उसी से बहुत रिलीफ हो गया, मतलब मैं आराम से उठने बैठने लगी, मेरे पैर में दर्द वो ठीक हो गया था। ये मुझे इटो इटो प्लस मिला था, इटो प्लस 19, ये मुझे टैबलेट घुटने के दर्द के लिए, ज्वाइंट्स जो पेन होते हैं उसके लिए मिला था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ खाने के लिए, मैं बस ये बता रही हूँ कि मैंने ये डॉक्टर से लिया था, दिखवा के मैंने लिया था। तो और बोला बहुत अच्छे डॉक्टर थे, देखो बस 2 ही टैबलेट्स मुझे दिए हैं। एक मुझे, मैं अपने डाइट का इतना भी ध्यान नहीं रख पाती, तो मुझे कैल्शियम की कमी थी मेरे बॉडी में, और ये एक घुटने के लिए। और भी मैंने पेंस किलर्स जो खाए थे, तेल मैंने बहुत सारे डॉक्टर से लगाए थे ले ले के, मेडिकल से। तो ऐसा है तो आप भी करें जो आपको पॉसिबल हो, पर हाँ दौड़ नहीं छोड़ें, दौड़ने जाएं और अपना ध्यान रखें, धूप बहुत है, इलेक्ट्रोल पाउडर पिए, अपने बॉडी का अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मेरा मार्क्स कितना है, एक लड़की बार बार पूछ रही थी, तो देखिए मेरा 75 to 76 सही हो रहा था, और काट के वही 72 point something या 71 point something आएगा, तो इसलिए और लगभग 70 के अप्रोक्स कट ऑफ किया है, तो शायद तो नहीं हो पाएगा ना, 2 question ही ज़्यादा है। और मैंने, मुझे पता है इतने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं नहीं जा रही, ऐसा है, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो इसी तरह बाकी का बताऊंगी, गलती क्या किया था, तो 3 4 question तो अभी बता देती हूँ। एक वो था कि बंगाल का जब क्या बोलते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो भी हो कौन थे, मैं इतनी महामूर्ख, मैंने मार के शाह आलम द्वितीय फिर मार दिया, ऑप्शन डी मीर जाफर, वो मेरे मेरा मतलब क्या बोलूँ, वो एक रॉन्ग हुआ। एक था कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह, तो मुझे किस गधे को भी नहीं पता होगा कि हल्दिया, मैंने मैंने सोचा वहाँ ना मैं साइंटिस्ट बन जाती हूँ, मैंने सोचा सहायक पूछ रहा है ना, ये तो उसका मेन बंदरगाह हो गया, सोच रहे हो दिमाग का लेवल। उसको मैंने हल्दिया लगाया, फर्स्ट टाइम में हल्दिया ही लगाया था, सेकंड टाइम में उसका बगल का उड़ीसा का तूती करें, मतलब इतना एक्स्ट्रा माइंड में लगा रही थी, ये एक गलत हुआ। रीजनिंग का बस एक ही क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है, वो भी बहुत सिली मिस्टेक बोलेंगे, पता नहीं आँख का चश्मा क्या चढ़ गया, मेरे को लगता है सही में दिखना बंद हो गया है। वो जो एक सर्कल करके ऐसे एक लाइंस था, सर्कल था उसमें ऐसे ऐसे एरो टाइप के थे, वो देखने में शायद मुझे नज़र का फेर हो गया, वो मेरा एक गलत हो गया था, वो 3 question ऐसे ही मैंने बता दिया। और भी ऐसे क्वेश्चन है, अभी ये रैंडम 3 question मुझे याद आए कि वो मैंने आपको बताया, ऐसे कम से कम 7 से 8 question पता नहीं मेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया था उससे,
ऐसे गलत हो गया। और जिस दिन मैं एक और छोटा सा ट्रेजेडी मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था ना, तो ये मेरे जो इतने भी बहुत ही करीबी जो यहाँ पे हॉस्टल में है या जो मेरी फ्रेंड लोग हैं उनको मैंने ये बात बताई है। देखिए यही होता है लक। मैंने इसके लिए तो पढ़ाई किया था, नहीं किया था क्या बोलूँ, अब तो बोलूँगी तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, वो तो ब्राह्मी ही जाने क्या किया था मैंने। पर हाँ, जब मैं एग्ज़ाम का 7:30 पे मैंने सोचा था कि निकलूँगी, और मेरा ये क्या बोलते हैं, वहाँ था सेंटर जू के अपोजिट में, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में, लोग वहाँ मुझे मिले भी थे, तो वहाँ मैं गई थी। तो सोचा कि अभी 7:30 पे मैं निकलूँगी, 7:15 हो चुके थे, मैंने नहा धो लिया था, अपने बैग्स वगैरह रेडी कर लिए थे, कुछ खाने पीने का सामान और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये सब रख लिया था, और पानी का बोतल रखा। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैप देख लेती हूँ, लास्ट टाइम में भी मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बैठे हैं, लास्ट लास्ट तक मेरे को पढ़ने का रहता है। तो मैंने सोचा जो सीरीज है ना, वो पर्वत वगैरह का, वो देख लेते हैं, वो सीरीज कभी कभी आ जाता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसे कभी कभी अरेंज करने को दे देता है। तो वो एक बार सोचा कि सरसरी निगाह से देख लेते हैं, तो वो मैं देख रही थी 15 मिनट में। तो जब मैं अब हो गए 7:30, तो जब मैं उठ के जाने लगी ना, बैग उठाया, बैग में पूरा बैग पानी, मेरा बेड पूरा भींगा हुआ, मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बिना ढक्कन बंद किए मैंने वाटर बोतल रख दिया था, पता नहीं कैसे ये मैंने कर दिया, मुझे खुद पता नहीं है। मतलब मैं इतना उस समय पैनिक हो गई ना, उस टाइम तो मेरा लग रहा था कि दिमाग का कोई नस ही ये फट जाएगा। मैंने सोचा इतना सुबह सुबह मैं कहाँ से एडमिट कार्ड लेकर आऊँ, कहाँ से मैं निकलवाऊँगी, इतना मुझे टेंशन हुए। और उस टाइम मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं परेशान हूँ तो लोगों को भी मतलब बोलूँ, क्योंकि जितने भी लोग टच में हैं उनका भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम है, तो मैं तो खुद परेशान हूँ, उनका भी अपने वजह से, क्यों उनको बेफिजूल का टेंशन दूँ। घर पे नहीं बोल सकते क्योंकि मम्मी कहेगी कि कैसे कर दी, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, वाटर बोतल कैसे कोई रख देता है, अब क्या करोगी, कैसे एग्ज़ाम दोगे, वो लोग तो और पैनिक क्रिएट करते। मैं ऐसे ही जा रही थी, फिर मुझे लगा कि होटल्स वगैरह में मैं पूछते जा रही हूँ जो भी खुला है कि होगा क्या, तो नहीं, वहाँ केवल आधार कार्ड का फोटो कॉपी निकलता है। कितना मैं पूछते पूछते जब गई तो मुझे जाके फिर यहाँ मिला, क्या बोलते हैं, हनुमान मंदिर के सामने। मैं आपको आज ये भी बात बता देती हूँ कि हनुमान मंदिर के सामने एक दुकान है, अगर आपको ऐसा कभी सिचुएशन आए तो आप वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो किसी भी चीज़ का। वो 7 बजे ही दुकान 7:30 बजे खुल जाती है, हनुमान मंदिर के जस्ट अपोजिट में एक जनरल स्टोर है, वहाँ पे खुल जाता है। फिर मुझे वहाँ का पता चला, तो फिर मैंने वहाँ से लिया, और गेट बंद होने के मात्र 10 से 15 मिनट पहले मैं सेंटर पे पहुँची। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं रुको वो एडमिट कार्ड भी दिखाती हूँ। पता नहीं, मिल नहीं रहा, शायद इधर हो, हाँ मिला, तो दिखा देती हूँ। देखिए ये है वो मेरा एडमिट कार्ड, देख रहे हो, पूरी तरह से पानी में सना हुआ, देखो पूरा भींगा, वो मैंने एडमिट कार्ड अभी रखा हुआ है मेंस का। तो ऐसा है, इतने टेंशन में मैं एग्ज़ाम देने गई थी, सोचो सेंटर पे, और मैंने कैसे वो एग्ज़ाम दिया हिंदी का, कि मैं ही जानती हूँ, तो ऐसा हो जाता है यार। मुझे उसी टाइम लग रहा था कि कितना बैड लक है मेरा, इतना पढ़ा लिखा सब किया, और होता है ना कि खूब अच्छे से खाना बनाए, खूब बढ़िया से बनाए, 56 भोग बना लिए, थाली में सजा लिया, और खाने के लिए बैठे तो छिपकली गिर जाए, तो मेरे साथ तो यही हो गया। मतलब उस टेंशन में मैंने वो कैसे एग्ज़ाम दिया वो मैं जानती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, और इसका परिणाम तो मेरे सामने है, दिमाग। कोई नहीं, खैर जो होना था वो हो गया। तो ऐसा है, बहुत टाइम लिया आप लोगों का, बहुत बोलती हूँ मैं, टॉकेटिव तो हूँ, पर हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है, थैंक यू। और कोई क्यूरीज हो तो पूछना, ये सारे टॉपिक्स में ना मैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं धीरे धीरे कल कट ऑफ का मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि दरोगा का
ऐसा नहीं है, बहुत लोग बनाए होंगे, बहुत जानकार, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टीचर्स, पर हाँ मैं भी अपना, लोग पूछ रहे हैं तो मैं बना रही हूँ, नहीं तो मैं तो अभी तक नहीं बना रही थी। मैं उस पर बता दूंगी, बुक लिस्ट दरोगा का बताऊंगी, बिहार पुलिस का जो भी, और ये सब मैं धीरे धीरे करके बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।